हाय मेरे लोग, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपके फेवरेट कपल करण और निशा, जो बहुत अच्छा कपल था, बहुत प्यारा था, और पर अब दोस्तों करण और निशा के रिश्ते में आ गया है एक और बड़ा खुलासा। हाँ दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता ही था कि करण और निशा की हो गई है लड़ाई, और जिसमें निशा ने आरोप लगाया है कि करण ने उनके साथ किया है हिंसक बर्ताव। हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था कि करण ने उनके सिर पर मारा है, और निशा ने बताया था कि करण और निशा की लड़ाई क्यों हुई थी। हाँ दोस्तों, अब उस मामले में एक और नई खबर आई है। दोस्तों, करण ले सकते हैं निशा से तलाक, और निशा ले सकती है करण से तलाक। हाँ दोस्तों, ये बात तो हमने आपको बताई थी कि करण और निशा की काफ़ी पूरी तरह से लड़ाई हुई, जिसमें ये निशा और करण ने हमें बताया था, जिसमें निशा ने यह आरोप लगाया कि करण ने उन्हें उनके साथ मारा पिटाई की, और फिर निशा ने उनके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट करा दी, और दोस्तों फिर उसके बाद करण छूट गए थे। हाँ दोस्तों, तो उसमें इन दोनों के समर्थन में कई टीवी एक्टर भी आए थे, जिसमें निशा के दोस्तों ने कहा था कि निशा के साथ निशा ये काफ़ी समय से लंबे समय से झेल रही है, और उनके साथ बहुत करण ऐसा ही व्यवहार करते थे। वहीं पर दोस्तों, करण मेहरा के एक दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ काम भी किया था, धारावाहिक में वो उनके बेटे भी बने थे। उन्होंने कहा था, जिनका नाम है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो भी एक बहुत मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जो है एक बहुत चर्चित एक्टर जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं दोस्तों, और उनका कहना उन सारे फैंस के लिए भी है दोस्तों, कि उन्होंने कहा था कि करण जो उनके बेटे का किरदार निभाते थे दोस्तों शो में, जिनका नाम है रोहन, तो रोहन ने कहा था कि करण भैया बहुत अच्छे हैं, वो तो किसी से तेज बोलते भी नहीं हैं, वो उन्हें क्या मारेंगे, और ये उन्होंने कहकर करण का काफ़ी साइड लिया था दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो करण और निशा के समर्थन में उनके दोस्तों काफ़ी आए थे, और दोस्तों उनके रिश्ते में ब्रेकअप की वजह बनी थी एक ये उनके कोई रिश्तों में ब्रेकअप की वजह बनी है दोस्तों एक मिस्टीरियस कर, जिसके बारे में हमें पता लगाया है। तो दोस्तों, हमें खबर मिली है कि वो मिस्टीरियस कर वो है जिसके साथ करण ने अभी कुछ ही समय पहले एक वेब सीरीज़ की थी, और दोस्तों जब करण उनके कई फ़ोटोज़ वगैरह पे भी कमेंट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो वो ही मिस्टीरियस गर्ल है, और निशा ने भी दोस्तों हमसे जब बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि करण एक लड़की के प्यार में पड़ चुके हैं, और वो लड़की उनके और करण के रिश्ते में आने वाली दरार की वजह है। हाँ दोस्तों, यह सारी बातें तो आप लोगों को पता ही थी कि ये पावर कपल जो बहुत प्यारे लगते थे, बहुत अच्छे मेड फॉर ईच अदर लगते थे, पर अब उन दोनों के रिश्ते में आ गई है दरार, हो गया है उनके रिश्ते का टूटना संभव। पर दोस्तों, अब इन दोनों ने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए एक और नया कदम उठा लिया है। हाँ दोस्तों, ये दोनों बहुत जल्द ही डिवोर्स फाइल करने वाले हैं। करण ने भेज दिया है निशा को नोटिस डिवोर्स का, और दोस्तों हमारे गुप्त सूत्रों से ये पता चला है कि निशा ने भी उस पर साइन कर दिए हैं। अब दोस्तों, 6 महीने के लिए कोर्ट इन्हें समय देगा, और फिर हो जाएगा इस प्यारे कपल का रिश्ते का प्यार भरा नहीं बल्कि दर्दनाक भरा अंत। हाँ दोस्तों, तो रिश्ते करण का रिश्ता टूट चुका है, टूटने के कगार पर पहुंच गया है, और निशा और करण का प्यार भरा रिश्ता टूटने जा रहा है दोस्तों। इनके रिश्ते में आया है एक नया मोड़। इनकी लड़ाई की वजह थी एक मिस्टीरियस लड़की, उसका हमने आपसे खुलासा किया दोस्तों, और अब ये एक तलाक की कार्यवाही भी करा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके इस प्यारे कपल के ज़िंदगी के प्यार भरे सफ़र यहीं तक था दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो आप लोग इसे और भी
वायरल कर सकते हैं दोस्तों, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और करंट के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि उनके स्टार की लाइफ में क्या हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कमेंट इट, शेयर इट। ओके दोस्तों, तब तक के लिए मैं चलता हूँ और खबरें लाने। बाय।